हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं कि आप जनवरी में किस तरह से कटिंग से नए पौधे तैयार कर सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है और इस टाइम में आपके एक प्लांट से आप अपने प्लांट को मल्टीपल कर सकते हैं, बहुत सारे नए नए प्लांट आप तैयार कर सकते हैं। तो आज मैं कुछ 10 से 12 ऐसे प्लांट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जिनको अगर आप इस टाइम में कटिंग से लगाते हैं तो वो इजीली प्रोपोगेट हो जाते हैं, उनमें आसानी से रूट्स बन जाती है। इस लिस्ट में फ्रेंड्स, सबसे पहला पौधा है, ये है देखिए आपका सदाबहार का। ये हाइब्रिड विंग का है। चाहे आपके पास हाइब्रिड विंग का हो या देसी विंग का हो, दोनों ही सदाबहार कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। जब आप इसकी कटिंग लगाने जा रहे हो तो चूज़ करिए एक मैच्योर कटिंग, जैसे कि यहाँ से, इसको यहाँ से देखिए, इसकी एक ही मैच्योर मतलब मोटी कटिंग आप चूज़ करें। सिंपली उसको वी शेप में कट करें। कट करने के बाद अगर आप इसको बालू में लगाते हैं, बालू जो इसका पॉटी मिक्स कटिंग का आप तैयार करेंगे उसमें 70% आपको बालू लेना होगा और 30% आपको अपने गार्डन की मिट्टी लेना होगा। उन दोनों को मिक्स करके आप उसमें हर तरह की कटिंग लगा सकते हैं। तो पहला पौधा ये हो गया। इसकी मैं आपको एक कटिंग दिखाती हूँ। कुछ टाइम पहले मैंने लगाया था, ये मेरा रेड वाला है और देखिए मैंने कुछ टाइम पहले इसकी, ये करीब 1.5 महीना हो रहा है, ये कटिंग देखिए मैंने इसकी लगाया और ये इजीली प्रोपोगेट हो गई है। तो इस तरह से आप भी एक पौधे से कई सारे पौधे बना सकते हैं। नंबर 2 पे फ्रेंड्स है आपका ये डायंथस का प्लांट। इसकी भी इस टाइम में कटिंग इजीली आप लगा सकते हैं। कहीं से भी आपको इसकी इतनी बड़ी भी कटिंग मिल जाए ना, तो एक पौधे से नए पौधे बहुत आसानी से बन जाते हैं। देखिए मैंने भी इसमें करीब ये 2 कटिंग लगा रखी है, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है। और इसकी भी कटिंग आप, इसकी कटिंग जो है 15 डेज में चल जाती है आसानी से। आप कोशिश करिएगा कि थोड़ी सी मैच्योर कटिंग लेने की, जो कटिंग मैच्योर होती है थोड़े से उसके लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। 3rd नंबर पे फ्रेंड्स जो प्लांट है, ये है आपका विंटर का एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है, गजानिया। इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से लग सकती है। इसकी कटिंग भी अगर आप लगा रहे हैं तो इसकी थोड़ा सा थिक कटिंग ले लीजिएगा और उसको आप इजीली, चाहे आप अपने उसी पॉट में लगा दीजिएगा या फिर अलग से लगा सकते हैं। तो गजानिया की कटिंग भी इस टाइम इजीली प्रोपोगेट हो जाती है। 4th नंबर पे फ्रेंड्स जो प्लांट है, ये है देखिए कोलियस, और इस प्लांट को मैंने कटिंग से ही लगा रखा है। देखिए इस प्लांट को मैंने कटिंग लगा रखा है। मेरे पास इसका एक बहुत हेल्दी प्लांट था, उस प्लांट की ही मैंने करीब 1 कटिंग है, ये देखिए, और ये कितने अच्छे से ग्रो हो रही है और इसमें मल्टीपल ब्रांचेस भी आ गई हैं। तो आप इस टाइम में कोलियस को बहुत आसानी से लगा सकते हैं, अच्छे से कोलियस आपके साथ पास लग जाएगा। 5वें नंबर पे फ्रेंड्स जो है वो है आपका देखिए बोगनवेलिया की। मैंने बोगनवेलिया की कुछ टाइम पहले मैंने उसकी प्रूनिंग की थी, हार्ड प्रूनिंग की थी, तो उसकी कटिंग भी फ्रेंड्स मैंने लगाया है और देखिए ये अच्छे से उसी एक पॉट में मैंने लगा रखा है। देखिए कितने अच्छे से मेरी ये कटिंग, कुछ टाइम लगेगा लेकिन उसके बाद ये अच्छे से प्रोपगेट हो जाएगी। इसके बाद 6ठे नंबर पे फ्रेंड्स आप इस टाइम में जिस प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं वो है हमारा ये बेहद खूबसूरत खूबसूरत सा प्लांट, डेट प्लांट। इसकी कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है फ्रेंड्स। इसको आपको इसकी एक थोड़ा सा मोटी थिक ब्रांच लेना होगा, लाइक इतनी बड़ी, ऐसे यहाँ से भी अगर आप इसको इतनी बड़ी भी कटिंग अगर आप इसकी लेंगे, और ये सब जो देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये मैंने सारी मैंने इसकी कटिंग ही लगा रखी है और देखिए ये कटिंग से कितने अच्छे से ग्रो हो रहा है। मैंने इस वाले अपने प्लांट से कटिंग लेके इस छोटे से उसमें लगाया था और कितने अच्छे से चल रहा है। इसके बाद जो है आप इस टाइम में इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। ये है आपका मैक्सिकन पिटूनिया। ये बहुत ईजली लगने वाला प्लांट है और इसमें मैं आपको अगर एक चीज़ दिखाऊँ तो वो ये है कि इसमें देखिए इस टाइम में इसके सीड पॉट्स डेवलप हो रहे हैं। ये देखिए ये है इनके सीड्स। इसमें से सीड्स आप थोड़ा सा जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो ये ब्राउन कलर में हो जाएंगे, डार्क ब्राउन कलर में। तो इनको कलेक्ट कर लीजिए और जैसे ही आपका फैब स्टार्ट हो या फिर आप अभी भी जब ये थोड़े से ब्राउन हो जाए लाइक दिस, ये देखिए, तो इससे
सॉरी ये भी अभी अच्छे से ब्राउन नहीं हुआ। जब ये ब्राउन हो जाए ये तीन कलर्स में आते हैं, वाइट, पिंक और पर्पल, तीनों ही ईजली प्रोपोगेट हो जाते हैं। आपको जो सा भी लगाना हो तो आप इसकी भी अच्छे से लगा सकते हैं। और ये बहुत हार्डी प्लांट होता है, एक बार लगाते हैं तो ये अच्छे से ग्रो होता रहता है। देखिए कितने सारे सीड्स बन रहे हैं, मेरे पास इसके तीनों ही कलर्स अवेलेबल हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे तो ये एवरग्रीन फ्लावरिंग प्लांट है, जिसको बोलते हैं विंटर का बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है क्राइसेंथेमम। देखिए इसके फ्लावर्स कितने अच्छे से खिल रहे हैं। हालांकि मैं इसमें अभी कुछ फर्टिलाइज़र ऐड करूंगी कि जिसको देने के बाद मेरे जितनी सारी बर्ड्स आई हुई हैं ना सारी एक साथ खिल जाएंगी। तो ये भी कटिंग से ईजली प्रोपोगेट हो जाता है, आप इसको बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। इसकी भी बस थोड़ा सा एक मेच्योर कटिंग लेना है आपको। और एक चीज़ और दिखाऊं, देखिए ये नीचे से बेबी प्लांट्स भी देखिए इसमें आते रहते हैं। ये देखिए नीचे से इनके बेबी प्लांट्स आ रहे हैं। तो आप इतने छोटे से पौधे से आप करीब ना ना करके 40-50 कटिंग आसानी से तैयार कर सकते हैं। विद इन आपके 20 डेज और 15 डेज में इसमें रूट्स आ जाती हैं। बस जब आप इसको लगा रहे हैं तो कोशिश आप ये करिएगा कि इसमें इसको रेत में ही, रेत मिली मिट्टी में लगाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आपको इससे मिलेगा। तो कटिंग से लगने वाला एक ये भी पौधा है जो कि ईजली लग जाता है। और मैं आपको इस वाले प्लांट में भी दिखा रही हूँ, देखिए ये मेरा वाइट वाला डायंथस है और इसकी भी मैंने कटिंग लगा रखी है अच्छे से। और अगर इसी लिस्ट में आगे बात करूँ तो ये है एक विंटर का बहुत खूबसूरत सा फ्लावरिंग प्लांट, जिसे कि आप लोग बोलते हैं वर्बीना। ये बहुत अच्छे से ईजली कटिंग से प्रोपोगेट हो जाता है और करीब कुछ टाइम के बाद लाइक आपका 15-20 दिन के अंदर इसमें भी रूट्स आने लगती हैं। इसकी भी अगर आप इतनी सी कटिंग यहाँ से कट करके सिंपली बस आप एक होल करिए और उस होल में आप अपनी कटिंग को लगा सकते हैं। देखिए अभी मैंने आपसे 2 या 3 दिन पहले एक वीडियो शेयर किया था कि जिसमें आपके विंटर फ्लावरिंग प्लांट की ग्रोथ रुकी हुई है, तो एक फर्टिलाइज़र आपके साथ शेयर किया था शॉर्ट वीडियो में। तो देखिए वो फर्टिलाइज़र फीड करने के बाद देखिए मेरे वर्बीना में कलियाँ बनना स्टार्ट हो गई हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपके साथ ये एक विंटर का बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है पिटूनिया। ये आप अगर आपके पास विंटर में पिटूनिया नहीं लगा है तो आपके गार्डन बहुत सूना सूना सा लगता है। इस बार तो फ्रेंड्स मैंने एक ही कलर इसका परचेज किया है, मैं 2 बार लाई लेकिन किसी वजह से मेरा प्लांट ख़राब हो गया। तो ये वाला प्लांट आपको ज़रूर लगाना चाहिए, 30 रुपये की रेंज में आपको इजली नर्सरी पे अवेलेबल है, ये आप ले सकते हैं। इसकी भी एक छोटी से छोटी कटिंग आपकी 15-20 दिन में आसानी से लग जाएगी। और ये ऐसा प्लांट है फ्रेंड्स कि ये आपका मई तक अच्छे से, लास्ट ईयर मेरे पास इसमें मई तक अच्छे से फ्लावरिंग होती रही है। तो इस टाइम में कुछ मत करिए, बस सिंपल आप कहीं से भी नीचे से थोड़ा सा एक थिक ब्रांच लेके सिंपली उसी पॉट में ही लगा दीजिए। अलग से अगर नहीं, मगर कटिंग्स को लगाने के लिए ना आप अलग से ही एक पॉट प्रोवाइड करिए अपने प्लांट को, क्योंकि होता क्या है फ्रेंड कि हम लोग इस वाले पॉट में तो पानी बहुत अच्छे से देंगे क्योंकि प्लांट हमारे, उसको अच्छे से पानी चाहिए होगा। और जो कटिंग्स होती हैं उसमें क्योंकि रूट्स तो होती नहीं है, ज़रा सा पानी ज़्यादा हुआ तो आपका प्लांट ख़राब हो जाता है। तो आप कटिंग्स को हमेशा सेपरेट पॉट में ही लगाइए। बट फ्रेंड्स मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है तो मैं तो लगाती हूँ तो मेरा उसी में भी अच्छे से चल जाता है। इसके बाद चलिए आपके साथ एक दूसरा शेयर करती हूँ, ये है आपका गेंदे का प्लांट। देखिए ये भी बहुत अच्छे से कटिंग से लग जाता है और इस टाइम में आपको नर्सरी में बहुत सारे, इसमें 2 ही कलर्स आते हैं नॉर्मली, एक आपका आता है ये इस तरह से पीला कलर और एक आता है इसका जाफरी वाला, दोनों ही आप लगा सकते हैं फ्रेंड्स। ये बहुत आसानी से लग जाता है, आप इसको इसके फूलों से भी लगा सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने इसके फूलों से जो इसको लगाया, उसमें देखिए कितने ढेर सारे मेरे पास प्लांट तैयार हुए हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। जो भी इसका फूल सूख जाता है मैं उसी पॉट में डाल देती हूँ और करीब 1 हफ्ते के अंदर मेरे नए नए इसमें से स्प्राउट्स आ जाते हैं। तो आपका ये बहुत एक अच्छा ऑप्शन है कटिंग से लगने के लिए। इसको मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या
ये देखिए, मैंने करीब हफ्ते भर पहले इसी का सूखा हुआ फूल, जैसे आप ये देख रहे हैं ना, ये जो भी फूल सूखता है मैं इसको इस तरह से ऐसे तोड़ देती हूँ इसमें से। ये देखिए, ये सारे इसके सीड्स होते हैं, ये देख रहे हैं। बट ये जब थोड़ा ब्राउन हो जाते हैं ना तो वो मैच्योर सीड्स होते हैं, इसीलिए मैंने इसको तोड़ा नहीं था। फूल मैंने देखिए उसी में डाल दी। और ये देखिए, ये एक साइड में मैंने सारे फ्लावर्स इसके डाल दिए थे और देखिए कितने ढेर सारे बेबी प्लांट्स बन के तैयार हो गए। तो ये बहुत अच्छे से आसानी से लगने वाला प्लांट है, तो आपको इसको ज़रूर लगाना चाहिए। साथ में मैं इसका एक और आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए, ये है जाफरी गेंदा, ये भी आसानी से कटिंग से तैयार हो जाता है। फ्रेंड्स, मेरे इन सभी प्लांट्स को नीम ऑयल की ज़रूरत है, इस पर स्प्रे करना है मुझे। बट इतना ठंडा है, आप लोग को कैसे दिखाऊं। देखिए, धूप 4 दिन हो रहा है, धूप नहीं निकली है और छत पे आना मतलब काँपने लगता है इंसान। बट फिर भी मैं आ जाती हूँ अपनी वीडियो के लिए। तो आप इसको लगा सकते हैं, जाफरी बहुत अच्छा वो है। और अगर परमानेंट प्लांट में बात करूँ तो फ्रेंड्स, आप ये जो भी आपकी हिबिस्कस वगैरह हैं, ये भी आप बहुत इजीली कटिंग से लगा सकते हैं। और भी एक प्लांट आपके साथ शेयर करती हूँ फ्रेंड्स, आप अडेनियम को भी इस टाइम में कटिंग से लगा सकते हैं, आसानी से लग जाएगा। बट आप अगर अडेनियम लगा रहे हैं कटिंग से, सिर्फ आप उसको बालू में लगाइएगा, जो सैंड होती है, रेत जिसे बोलते हैं, उसमें बिल्कुल भी मिट्टी वगैरह मत ऐड करिएगा। या फिर थोड़ी बहुत मिट्टी ऐड करके आप लगा सकते हैं, बहुत आसानी से कटिंग से आपका इस टाइम में अडेनियम लग जाएगा। देखिए, मैंने लास्ट ईयर अपने इस वाले, ये मेरा रोज़ी वेराइटी अडेनियम है जो कि ग्राफ्टेड होता है, इसकी इस प्लांट की कटिंग से फ्रेंड्स मैंने अपना ये वाला प्लांट तैयार किया। ये देखिए, एक साल में ये इसकी ग्रोथ है और देखिए ये साल भर के अंदर ही फ्लावरिंग पे आ गया। बट इस टाइम में ये इसके पहले फ्लावर्स हैं, एक दो फ्लावर्स खिले भी हैं। बट मोस्टली होता क्या है कि जब प्लांट नया होता है और उसमें फ्लावर्स आते हैं ना, तो फर्स्ट टाइम के फ्लावर्स वो ड्रॉप कर देता है। तो देखिए कितना थिक इसका ये हो गया है, इसमें कॉर्डेक्स नहीं बनेगा बट आपका ये जो इसकी स्टेम है ये काफ़ी मोटी बन जाती है। तो आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं और ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, अगर आप लोग के साथ कुछ प्लांट्स मैंने शेयर किए फ्रेंड्स, अगर आप लोग को अच्छे लगे हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ आप लोग वीडियो देख लिया करिए फ्रेंड्स। बहुत मेहनत से बनाते हैं, बहुत ठंड है लेकिन फिर भी आते हैं बनाने। तो बस एक ही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ और फ्रेंड्स, ये देखिए जो मैंने ग्राफ्ट किया था, ये देखिए इसके ग्राफ्ट पोर्शन से देखिए, ये यहाँ पे मैंने एक ग्राफ्ट किया था और एक यहाँ किया था, ये वाला तो सक्सेस नहीं हुआ। बट ये वाला जो है देखिए, यहाँ से देखिए इसने स्प्राउटिंग स्टार्ट कर दी, दैट मींस। और ये वाला भी मैंने 3 ग्राफ्ट किया था एक ही ब्रांच पे, ये वाले में भी देखिए स्प्राउटिंग स्टार्ट हो गई। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स, किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, बाय फ्रेंड्स।